अच्छा ही का, बीजेपी का सारा काम अच्छा ही है। कोई भी एक काम बताओ। कोई भी काम, सारा काम जो नोटबंदी करी वो भी अच्छा करा। जो नोटबंदी से क्या फायदा हुआ बताओ? बहुत फायदा हुआ, बहुत। रिजर्व बैंक जो जाली नोट थी, जो जाली नोट थी वो सारी बंद हो गई। रिजर्व बैंक जो दुनिया में जाली बैंक थी, नोट थी, नोट जितनी सारी बंद हो गई। अच्छा एक बात बताइए, जो नोटबंदी हुई थी ना, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट बताइए आया कि 99.99% पैसे वापस आ गए हैं। सबके पैसे तो आ गए हैं, जो 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 10 नंबर थी, 20 नंबर था ना, उसके पैसे रुके हैं। बैंक में जो पैसा जमा हुआ था, ज्यादा है, जितना भी पैसा बैंक में जमा हुआ था वो सारा तो वापस आ गया। तो काला धन कहाँ आया? काला धन तो देखो 100 नंबर के पास है, छोटे लोग के पास नहीं है। जो 10 नंबर, 100 नंबर या 20 नंबर है ना, उसके पास है। अच्छा, 2 नंबर के पास नहीं है। 10 नंबर, 20 नंबर, 100 नंबर वो है ना, उसके पास है काला धन। तो एक एक मैं नीरव मोदी और विजय माल्या के पास धन कौन सा है? वो कांग्रेस के टाइम पे धन है, मोदी के टाइम का धन नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन गया तो भागा कौन सी? हाँ, भागा किसी सरकार में? भागे किसी सरकार में? कांग्रेस की सरकार में? नहीं नहीं, बीजेपी सरकार कब? नहीं, बीजेपी की सरकार में तो पकड़ा है। नहीं नहीं, नीरव मोदी को भागा कब? ये बताओ भागा कब? भागा तो बीजेपी की सरकार में बना, कहाँ से बना? कांग्रेस की सरकार में बना। लेकिन भागा क्यों, ये बताओ सबसे बड़ी बात, ये भागा क्यों? भागा क्यों? मोदी ने पकड़ा इसलिए भागा। मोदी ने मना कर दिया था, लुकआउट नोटिस दे दिया था, उसके बाद कैसे भाग गया? और फिर भी इसको मेरे को पकड़ लेगा? मैं ये कह रहा हूँ, वो सोचेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, जब तक मैं ये कह रहा हूँ, जब लुकआउट नोटिस मिल गया था विजय माल्या को, तो सर तो देश से कैसे बाहर जा सकता है? जो वीजा बना था ना, उसकी मिली भगत है। जो वीजा बना ना, उसने मिली भगत है। वीजा किसने बनाया? 10 नंबर का वीजा किसने बनाया? सरकार किसकी है? सरकार को अभी बैठी है, 5 साल हुई है। पहले की सरकार कौन थी? कांग्रेस थी। वो धोखाबाज कांग्रेस है। बीजेपी में गया कि कांग्रेस में भागा है? भागा कब है नीरव मोदी? नीरव मोदी भागा बीजेपी के टाइम पे। तो गलती किसकी है? बना किस टाइम पे? कांग्रेस के टाइम पे बनाया, कांग्रेस ने बनाया। नहीं नहीं, बना किसी टाइम पे, लेकिन भागा तो बीजेपी सरकार में है ना। बीजेपी ने तो पकड़ा, जब भागा ना, चोर पकड़ा जाके तो भागे भागे। किसी को जेल में डाल दो, जेल से कैसे भाग जाएगा? नहीं, जेल से नहीं भाग सकता। कैसे भाग? अगर भागते भी तो किसी की मिली भगत होती है ना? मिली भगत होती है। नीरव मोदी और विजय माल्या कैसे भागा? सरकार की मिली भगत ही भागा है ना वो? सरकार की जो वीजा बना उसने भगाया, जो वीजा बना ले उसने भगाया, वीजा भगा। लेकिन सरकार तो बीजेपी की है ना, बीजेपी सरकार ने लुकआउट नोटिस दे दिया था। लुकआउट नोटिस देने के बाद फिर कैसे भाग गया वो? सरकार की मिली भगत है ना? कोई कहीं ना कहीं तो होगी बेटा, मिली भगत तो बोलते हो क्या? सरकार तो बीजेपी की है, तो बीजेपी। मेरे सवाल है, ये ईवीएम का प्रोग्राम हो रहा है, तो ये मोदी सरकार ईवीएम क्यों बंद नहीं कर देते? ईवीएम ये लोगों से ठग के वोट लेना ना, जैसे ये लोग। हम तो महिला मोर्चा से, मैं खुद ही हूँ, मैं खुद ही महिला मोर्चा से। वोट कौन ले रहा है? ठग के वोट कौन ले रहा है? ठग के वोट तो सारी पार्टी, ऐसे नहीं कभी केजरीवाल बनाएगा, कभी मोदी बनाएगा, कभी कांग्रेस बनाएगा, सारी पार्टी के अंदर आरोप तो मोदी लग रहे हैं। अभी वो लोग झूठा आरोप डाल रहे हैं मोदी के ऊपर। जीती मोदी रहे, मोदी कहाँ जीता? जीता सब जगह। 2014 में कितने घोटाले आए ईवीएम के, आप बताओ? कितना घोटाला तो जिसने करा नहीं करा तो भगवान को पता है। अभी आपको ईवीएम घोटाला दिखाऊंगा बहुत सारे। हमको इतना बेटा पता नहीं है कि मोदी ने करा घोटाला, किसने करा घोटाला, कहाँ से हुआ? अमरीका से हुआ, अमरीका से हुआ। इंडिया वाले, इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में हम बैठे, वो अमेरिका का कहानी है, क्योंकि जो कहानी बनाता अमेरिका वाला बनाता, इंडिया नहीं बनाती। इंडिया नहीं बनाती, जो पॉइंट बनाती अमेरिका बनाती। तो बीजेपी के इतने लोग तानाशाही कैसे होते? जो कोई यहाँ पर स्टेज पर प्रोग्राम चल रहा है तो 20 में से माइक ले लेते हैं। चीज़ हमने माइक ले लिया, हमने माइक ले लिया, भैया ने दे दिया। हमने दो बात बताई कि महिला मोर्चा से और तो है कि जब तक काम होता है जब उसको उपयोग करते हैं, काम होगा इसके बाद उपयोग नहीं करते, इसके बाद तो उसको पहचानते ही नहीं है। हम खुद ही बीजेपी के हैं। तो ये ईवीएम कब बंद होगा? ईवीएम ईवीएम बनाने वाले बैठे हैं, हम नहीं है। ये तो बहुत रहेंगे हटाने से। मोदी सरकार में रेप हो जाते हैं, इतने रेप के आंकड़े बढ़ जाते हैं मोदी सरकार में? भाई रेप तो ऐसा होता है, अच्छा बता रहे हैं, रेप होता है, रेप का हम नहीं बता सकते। क्यों? के जो रेप के ऊपर कब्जा नहीं करा सरकार ने, तो रेप क्या हुआ? नहीं, नहीं बेटे को जिंदा जला दिया जाता है। किडनैपिंग के आंकड़े बढ़ जाते हैं लगातार, किडनैपिंग के आंकड़े बढ़ जाते हैं, उसके आंकड़े बढ़ जाते हैं लगातार। देखो ये डॉक्टरों की कहानी है, ये डॉक्टरों की कहानी है, रेप बनाना नहीं बनाना। नहीं, डॉक्टरों की कहानी का